अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद इसलिए स्टार्ट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमने समझनी है। देखें, बायोटेक्नोलॉजी की ना एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिट होती हैं, उनके लिए मददगार होती हैं, और उनके लिए वो अपनी जो उनके अंदर जो खसूसियात होती हैं, जो हम वो जो हमें फ़ायदा देती हैं, तो हमने वो उनसे इस्तफादा हासिल करना है। अब इसमें क्या कहता है, वो कहता है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है तब्दीली। याद रखिएगा, हम कहते हैं यानी कार मॉडिफाई करवा दो, मीन कार के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आओ, तगैयुर, तब्दीली। वो कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हम देख लेते हैं। अब जरा वो सबसे पहले वो डिफाइन करेगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। द चेंज इन द जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब एक ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर एक तब्दीली रोनुमा होती है, किसको इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को इस्तेमाल करते करके इस कार्ड को क्या कहलाती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, द चेंज इन द जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जब एक जानदार के जीन में जो तब्दीली होती है, किसको इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को इस्तेमाल करके, वो क्या कहलाती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाती है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। द चेंज इन द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो तब्दीली होती है एक ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर, कैन बी प्रोड्यूस बाय, वो पैदा होता है बाय रिमूवल और एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। कि आप उसके अंदर तब्दीली कैसे लेकर आ सकते हो, या तो आप उसमें से जीन को रिमूव कर दोगे, या उसमें एडिशन कर दोगे, या उसको मॉडिफाई कर दोगे, तब मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ जाओगे जीन्स के अंदर। तो इस तरह आप एक ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर तब्दीली लेकर आते हैं। इट इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ चेंज इन द करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत जदीद तरीक़ाकार है किसी भी ऑर्गेनिज्म के करैक्टर को चेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दिस प्रोसेस इज यूज इन क्रॉप्स टू डिवेल्प रेजिस्टेंट इन प्लांट अगेंस्ट डिजीज काजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जो भी किसी भी क्रॉप के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है प्लांट्स के खिलाफ एंड डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन एक प्लांट है और उसके अंदर बीमारी लग रही है, तो आप उसके अगेंस्ट एक ऐसी आप उसे जो है ना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देते हो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो बीमारियां पैदा नहीं कर, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, आप उनके खिलाफ शुरू से ही ऐसे जीन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हो कि जो उस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ सके। सिमिलरली, इसी तरह द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिटेबल प्लांट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इम्प्रूवमेंट होती है किसके अंदर, एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स, एडिबल खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, इज द वन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। आगे कहते हैं GMO, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स आर मॉडिफाइड। कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स जो है ना वो मॉडिफाइड हम जब करते हैं, तो देन वो क्या कहलाते हैं, इस कॉल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाते हैं, GMO। ठीक है, एक तो होगा ना मतलब कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए हैं, तो फिर उसके बाद में जो नाम आएगा ना वो होगा GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GMO इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। GMO कहाँ इस्तेमाल होती है, एक यूजफुल होती है, मददगार होती है, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट होती है, जिनकी बचाने वाली प्रोडक्ट होती है, सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन एक्सेट्रा। और इसके वजह से हम इंसुलिन और वैक्सीन में भी वो क्या करते हैं, जो है ना उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा तारुफ जिसमें हमने डिस्कस किया जेनेटिक मॉडिफिकेशन को। हमने क्या कहा, हमने कहा द जीन्स इन द चेंज इन द जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। एंड व्हाट इज GMO, द ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे बेटा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।